गाजियाबाद में वैश्य समाज का सम्मेलन आयोजित किया गया। विराट वैश्य सम्मेलन में वैश्य समाज के बड़े व्यापारी और नेता शामिल हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। वो उन्होंने उजागर नहीं किए। 2014 के बाद जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद 2015 में वो तथ्य प्रकाशित किए गए हैं। यदि आप लोग, और खासकर आज मैं समझता हूँ कि वैश्य समाज के प्रबुद्ध लोग यहाँ एकत्रित हुए हुए हैं, व्यापारी लोग एकत्रित हुए हुए हैं, अगर उसको भारत सरकार की आप वेबसाइट पे देखेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वैश्य समाज केवल भामाशाहों का समाज नहीं है, केवल जो आप जिनके नाम जानते हैं और जो ये हम ये समाज के लोग यहाँ इतने बड़े मंच पर बैठे हुए हैं, इनका वैश्य समाज नहीं है। हम लोग केवल शायद प्रदीप जी 10 से 15% लोग ही होंगे, 80 से 90% लोग इस वैश्य समाज के, अन्य 300 से अधिक उपजातियों में लोग हैं। आपके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ अशोक जी गोयल उत्तर प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, उनको भी कहूँगा कि आप ज़रा तसल्ली करिए, जानकारी करवाइए कि वैश्य समाज उत्तर प्रदेश में तेली समाज भी है और बहुत से ओबीसी में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो भी वैश्य समाज के लोग हैं। ये तथ्य अग्रोवा की भूमि से मिले हैं और अग्रोवा एक ऐसा स्थान है जो वैश्यों की एक पुण्य नगरी होती थी आज से हजारों वर्ष पूर्व, और पिछले 5 वर्षों से अग्रोवा में वैश्य समाज के सभी प्रकार के लोग निमंत्रित किए जाते हैं, आते भी हैं। और कई वक्ताओं ने ये कहा कि हमारे लोग बहुत कम हैं राजनीति में इत्यादि इत्यादि, लेकिन आपको बहुत लोगों को पता नहीं है कि कितने लोग आपके राजनीतिक क्षेत्र में हैं, क्योंकि आप उनको वैश्य समाज का मानते ही नहीं हो। तो इस प्रकार की एक चीज़ है, आपको शायद बुरी लगेगी तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन सब लोग जानिए, उन लोगों को आपके आसपास जो लोग रहते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो वैश्य हैं, उनको अपनाइए, उनके साथ जुड़िए, आप सब एक साथ जुड़िए और आगे आने वाले समय में मंच के सामने ज़्यादा लोग हों और मंच पर कम लोग होंगे तो ये समाज बहुत आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। जो हमारे बुज़ुर्गों ने, जो हमारे पुरखों ने हमें बनाया है, हमारे को शक्ति दी है कि देश की समाज की सेवा करें, वो कार्य हम करते रहें तो ही आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको बुरा लगा हो तो एक बार फिर क्षमा मांगते हुए, आप सबको, आपने मुझे बुलाकर, अनिल जी ने, आप सभी ने इतना मान दिया, आदर दिया, उसके लिए आभार प्रकट करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय भारत, जय हिंद।